is alpha beta, the root of this equation. Find equation goes root r alpha plus 1 by alpha and beta plus 1 by beta. और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो दूसरी इक्वेशन को हमने फाइंड करनी है उसके में सिर्फ उन्होंने रूट दिए हुए हैं, रूट हमारे पास है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा और बीटा प्लस 1 बाय बीटा, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इससे पहले आपने उस इक्वेशन की फॉर्म पढ़ी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में एक हमें एस की वैल्यू चाहिए और एक हमें बी की वैल्यू चाहिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे हमने एस और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ये पहले हमने दिया एक्स के माइनस फोर एक्स प्लस टेन, तो ये थे कि गिवन एक्स के माइनस फोर एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन। इसको आपने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो लिखिए ये कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है, बोले कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू वो भी 1 माइनस 4 और सी की वैल्यू 12। एज अल्फा बीटा द रूट्स नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा पर प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, बी की वैल्यू माइनस फोर माइनस इंटू माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू वैल्यू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा माइनस फोर प्लस फोर बाय ए माइनस माइनस प्लस फोर आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा उसका फॉर्मूला है सी डिवाइडेड बाय ए और सी की वैल्यू क्या है बाय पुटिंग मैट्रिक्स सी की वैल्यू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 1 12 अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। अब जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके रूट हमने फाइंड करने हैं उसका एस की वैल्यू और पी की वैल्यू। ये जो दो रूट्स उन्होंने हमें दिए हुए अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा और दूसरी बीटा प्लस 1 बाय बीटा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने यहां पे पुट कर दी है। यस सो सम ऑफ रूट्स एस अल्फा प्लस बीटा 1 बाय अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाय बीटा, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं और रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन हमने फाइंड कर दी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन तो क्या आ जाएगा एस की वैल्यू अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा 1 बाय बीटा। अब यहां पे इनको आप पहले सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने का क्या तरीका है इसका आप एलसीएम ले लेंगे